दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर, अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। नमस्कार, मैं हूँ अनु सिंह और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबर। बिहार में मिले 1369 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,47,658। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1369 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,658 हो गई है। बिहार में कुल 17,972 एक्टिव केस हैं। एक बार फिर लोजपा के चिराग के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश, हत्या के बाद परिवार को नौकरी के बयान पर घेरा। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि अगर उनकी घोषणा चुनावी नहीं है तो पिछले 15 साल में जितने भी दलितों की हत्या हुई है सभी के परिजनों को नौकरी देनी चाहिए। कहा है कि SC ST समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डिसमिल जमीन देने का वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया है, इससे समाज को निराशा हुई थी। अब भी नाव से नदी पार कर स्कूल जाते हैं यहाँ के छात्र, पुल का निर्माण आखिर क्यों नहीं हो रहा। सुपौल के पिपड़ा प्रखंड अंतर्गत रतौली पंचायत के जड़ौली गांव के बच्चे भुदही नदी पर पुल नहीं होने से शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय नहीं जा पाते हैं। गांव के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रतौली में उच्च विद्यालय है, नदी के कारण यह दूरी काफी बढ़ जाती है। नदी पर पुल नहीं रहने के कारण करीब 25% बच्चों के अभिभावक नाव से उन्हें स्कूल भेजने से कतराते हैं। इनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है, इससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। नाव से प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय जाने वाले बच्चे भी बारिश के 4 महीने नदी में उफान रहने से नाव पर यात्रा जोखिमपूर्ण हो जाता है, इससे इस मौसम में बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते। जदयू वर्चुअल रैली, नीतीश के मंत्री ने लालू और तेजस्वी पर साधा निशाना, कही ये बड़ी बात। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर अपने दल के चुनाव अभियान का बिगुल फूंक दिया है। जदयू मुख्यालय में बने नवनिर्मित कर्पूरी सभागार के मंच से निश्चय संवाद को संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रख रहे हैं। इस संवाद में बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने लालू पर बोला हमला, कहा अंदर होकर भी अनाप शनाप ट्वीट करते हैं। बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जदयू की वर्चुअल रैली के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज को निशाने पर लिया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए राजद सुप्रीमो लालू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अंदर हैं फिर भी बाहर में एक आदमी रख लिए हैं जो दिन भर अनाप शनाप ट्वीट करते रहता है। नीतीश ने कहा कि भला आप ही बताइए जो जेल में है वो ट्वीट कैसे कर सकता है, इसका मतलब है कि बाहर में एक आदमी को हायर किया गया है जो ये सब कर रहा है। 9 सितंबर से शुरू होने वाली बिहार STET परीक्षा रास्ता, पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 9 सितंबर से होगी। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने पंकज कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को इस पर फैसला सुनाया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूर्व में एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर पूर्व में ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिकाओं को खारिज करते हुए 9 सितंबर से सेकेंडरी हायर सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने का अनुमति दे दी। चिराग ने लिखे पत्र नीतीश के नाम, अब हमने दिया पत्र का जवाब। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अब पोस्टर से लोजपा को गायब करने के बाद उसके अध्यक्ष चिराग पासवान को एक पत्र भी लिख दिया है। मोर्चा प्रवक्ता दानिश रिजवान ने यह पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि चिराग पासवान जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे आपके पत्र को मीडिया के हवाले देखा, इस बात की खुशी हुई कि कम से कम बिहार सरकार के फैसले पढ़ ही सही, पर आपको
दलित आदिवासी परिवारों की याद तो आई, नहीं तो एससी एसटी एक्ट के प्रदर्शन के समय तो आप कहां सोए थे उनकी जानकारी किसी को नहीं। मैं तो उस प्रदर्शन के दौरान डाक बंगला चौराहे के सड़क पर बैठ आपका ही इंतजार करता रह गया था। सीएम नीतीश कुमार ने खोला राज, लोगों ने क्यों कहा था क्विंटेरिया बाबा, कोरोना को बताया बड़ा संकट। जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वर्चुअल रैली के साथ अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। नीतीश कुमार ने पटना स्थित जेडीयू मुख्यालय में बने नवनिर्मित कर्पूरी सभागार के मंच से रैली को संबोधित किया। इसे पार्टी ने निश्चय संवाद का नाम दिया। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के दौरान किए गए कार्यों को बताया, साथ ही लोगों से इसको लेकर सजग व सतर्क रहने की अपील की। आपदा राहत के अन्य कार्यों की चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि क्यों लोगों ने उनका नाम क्विंटेरिया बाबा रख दिया था। उन्होंने नाम लिए बिना आलोचकों की खबर भी की, साथ ही अपनी उपलब्धियां बताते हुए लालू यादव के 15 साल के काल की भी चर्चा की। 1034 करोड़ से बिहार के 3 नक्सल प्रभावित जिलों में बनेंगी सड़के और पुल। बिहार के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 3 जिलों में 1034 करोड़ की लागत से लगभग 600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। 34 पुल भी बनेंगे। केंद्र सरकार ने योजना की प्रथम किस्त की राशि 203 करोड़ जारी कर दी है। सड़कों का निर्माण व उसका रखरखाव ठेकेदार ही करेंगे। सड़क या पुल पुलिया निर्माण के 5 वर्षों तक पथ या पुल के रखरखाव का कार्य उसी संवेदक एजेंसी द्वारा किया जाएगा जिसने निर्माण किया है। निविदा की प्रक्रिया ई टेंडरिंग पद्धति से होगी। नीतीश की वर्चुअल रैली को लाइक से ज्यादा मिले डिसलाइक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने आज चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जेडीयू के नए कार्यपाल में बने कर्पूरी सभागार में निश्चय संवाद को संबोधित किया। यह एक वर्चुअल रैली थी जो पार्टी और जदयू नेताओं के पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही थी। इसके अलावा मीडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सीएम को जिन लोगों ने सुना उन्होंने नीतीश के भाषण को लाइक करने के बजाय नापसंद यानी कि डिसलाइक ज्यादा किया। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी सोनिया गांधी और ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। जेडीयू कार्यालय में नीतीश की रैली, बाहर सड़क पर बेरोजगारों का प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां एक तरफ जदयू कार्यालय के अंदर नीतीश कुमार का निश्चय संवाद चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजद कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी कार्यालय से कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ निकली और जेडीयू कार्यालय की ओर बढ़ चली। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर कार्यकर्ता युवा हैं। विधानसभा चुनाव में पटना के 73,000 मतदाता घर से देंगे अपना वोट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले के 73,000 मतदाता ईवीएम से मतदान नहीं करेंगे, उनके लिए प्रशासन ने बैलेट पेपर की सुविधा दी है। इस साल ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है वह घर पे ही बैलेट पेपर से अपना मतदान करेंगे। इस बारे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार वृद्ध लोगों के लिए बैलेट पेपर से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। पटना के 73,000 मतदाता अपने घर से ही मतदान करेंगे।